नमस्ते भारत। 14 महीनों में दुनिया कितनी बदल गई है। खौफ और डर में हम जी रहे हैं। महामारी ने हमारे हेल्थ सिस्टम और मेडिकल सिस्टम को बेदम कर दिया है। लोग इतने डरे हुए हैं, इतने असुरक्षित हैं कि वो अपना डर बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये राष्ट्र की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है, क्योंकि ये करोना रूपी शत्रु हर रोज बहुत सारे हमले कर रहा है, बहुत सारे लोगों की जाने ले रहा है। आज मेरे शो में एक खास मेहमान है, सीनियर जर्नलिस्ट पुष्पेंद्र शर्मा जी। स्वागत है आपका पुष्पेंद्र जी। नमस्कार मनिंदर जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं और जान रहे हैं कि स्थितियां कितनी डरावनी बनी हुई है। हम लोग एक फोन कॉल उठाने से पहले सोचते हैं कि कोई अच्छी खबर मिले, और हर दिन 4 लाख लोगों का फिगर जो है डरावने वाला आ रहा है। इतने लोग इफेक्टेड हो गए हैं, इतने लोगों की जान चली गई। ये सारी खबरें कहीं ना कहीं आम इंसान को बहुत डरा रही हैं। पुष्पेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आखिर मैं क्या कुछ कहता वजह हूं है इस पर, कि फिर आप पूछिएगा। आखिर क्या वजह है जो दूसरी लहर आई है वो इतनी बुरी तरह से आई है कि हम संभल ही नहीं पा रहे हैं? देखिए मनिंदर जी, जी मैं या आप, हम कोई जी हेल्थ एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक जर्नलिस्ट जो है वो जैक ऑफ दी ऑल, मास्टर ऑफ नॉन होता है, तो इतनी जानकारियां उसे जी जरूर रखनी भी पड़ती हैं और रखता भी है कि वो जी जी चीजों को समझ सके कि क्या स्थिति है, क्या उपाय थे, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार हुआ। अब कहने को तो इसे आप सिर्फ एक दैवीय विपत्ति कह के टाल सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा कहना हकीकत से मुंह मोड़ना होगा। सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती, सच्चाई कड़वी ज्यादा होती है। जी ये कहना कि ये अचानक लहर आ गई, इसमें मैं सहमत नहीं हूं। जब विश्व के दूसरे देशों में ये दूसरी लहर चल रही थी उस समय भी, और 4 महीने पहले जो प्लानिंग कमीशन की एक बैठक हुई थी उसमें भी ये कह दिया गया था कि एक दूसरी वेव आने वाली है, और फरवरी के शुरू में ही दूसरी वेव की आहट हमें सुनाई देने लगी थी। अब सवाल कई सारे हैं, लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसका कि इतनी तेजी से क्यों आई और कैसे हुआ, तो उसके जवाब इन्हीं दो बातों में छुपे हुए हैं कि अगर प्लानिंग कमीशन आपको अलर्ट कर रहा था, और यूरोप के देशों में और दूसरे देशों में जब ये सेकेंड वेव आ रही थी, फ्रांस लॉकडाउन लगा रहा था, स्पेन दोबारा लॉकडाउन लगा रहा था, इंग्लैंड में दोबारा लॉकडाउन लग रहा था, तो हम क्या सो रहे थे? ये नहीं, हम सिर्फ सो ही नहीं रहते, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हमारे चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हो, देश के प्रधानमंत्री जी रहे हो, या अन्य नेता रहे हो, वो इस बात पे फूले नहीं समा रहे थे कि हमने कोरोना से जंग जीत ली है और सब कुछ ठीक जी हो गया है। और हम बजाय इसमें सोचने के कि अगर सेकंड वेव आए तो क्या करेंगे, हम इस बात के लिए ताली पीटने लगे थे कि हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ है वो ठीक होने लगी है, और जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ से बढ़ गया है, जो उद्योग धंधे पटरी पर लौटने लगे हैं, हम वो बातें करने लगे थे जो शायद हकीकत से कोसों दूर थी। जीएसटी रिकॉर्ड बढ़ा होगा, रेवेन्यू बढ़ा होगा, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए था कि कितने लोग उस समय भी ऐसे थे जो नौकरियां खो चुके थे, रोजगार खो चुके थे, और जो रोज कमा के रोज खाने वाला वर्ग है उसकी स्थिति पे हम उस समय विचार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। उस समय पे जब तालियां बजा रहे थे तो, और एक तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था, असल में ये वही समय था जब हमें सेकेंड वेव के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। तैयार तो एक्चुअली हमें पिछले साल ही हो जाना चाहिए था। आपको मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि इसी साल मार्च की शुरुआत में ही जो हमारे जी हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, उन्होंने ये ऐलान किया था कि भारत में COVID-19 महामारी जो है खात्मे की ओर बढ़ रही है, जबकि ये दबे पांव महामारी हमारे यहाँ एंटर कर चुकी थी। जी अब इसमें मनिंदर जी माफ कीजिएगा, पर जी वो क्या दबे पांव आ रही थी, इसी पर तो बहस है।
वो दबे पांव नहीं आ रही थी, वो तो पूरे शोर मचाते हुए आ रही थी, दूसरे देशों में चल रही थी। और पिछले साल भी ये वैज्ञानिकों ने कहा था कि इसकी दूसरी वेव आएंगी, इसके दूसरे म्यूटेंट आएंगे जो मल्टी डायमेंशनल होंगे। तो ये भाषा आप और मैं बोल सकते हैं कि दबे पांव आ रही थी, पर वैज्ञानिकों को और हमारे जो अलमदार हैं, जो हमारे नेता हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार थे, उन्हें पता था कि दबे पांव नहीं आ रही है, उनके कानों में इसकी आहट आ जानी चाहिए थी पहले ही। यहीं से चूक होनी शुरू हुई, यहीं से गलतियां होनी शुरू हुई और हम मदमस्त हो गए। और जैसा आपने अभी बताया, स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद ऐसा क्लेम कर दिया कि COVID-19 जो है खात्मे की ओर है, जबकि उसी समय दूसरी लहर तो दस्तक देना शुरू कर चुकी थी। तो इस तरह की अनदेखी का ही परिणाम है जो आज हम भुगत रहे हैं। जैसा आपने शुरू में कहा कि आज कोई भी फोन आता है तो ये डर लगता है कि पता नहीं क्या खबर देगा, मैं तो आपको इससे भी आगे की बात बता दूं कि आजकल कई दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि रात हो या दिन हो, बल्कि खासकर रात में लोगों के ऐसे करुणा और वेदना भरे फोन आते हैं जो पूरी रात सोने नहीं देते। कोई कहता है कि मेरे को कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दीजिए, कोई कहता है कि हमें कहीं हमारा मरीज ऐसी स्थिति में क्रिटिकल में आ गया है, उसको भर्ती करा दीजिए। जब अस्पताल वालों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमारा Level 3 नहीं है, Level 2 है। अब आम आदमी Level 2 Level 3 को नहीं जानता है और अस्पतालों के नाम पे उन्हें कुछ और ही नाम देना चाहिए जो शोभा नहीं देगा यहाँ पे कहना। अस्पतालों में जो स्थिति है वहां पे मिशन कहीं दिखाई नहीं देता, वहां सिर्फ और सिर्फ उद्योग और व्यवसाय ऐसा दिखाई देता है। और इतना अमानवीय और इतने संवेदनहीन व्यवहार वहां पर हो रहा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या निजी अस्पताल हो, कि वहां ऐसा लगता ही नहीं कि एक मानव हृदय से या मानव जाति के लोगों से हम बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो संवेदन शून्य है और उनके लिए ये मौतें और ये सिर्फ एक नंबर भर रह गई हैं। जी जी। तो इतना जो आप कह रही हैं, इतना दुख होता है, तो मैं कैसे मान लूं कि ये अचानक आ गई? नो, ये सडन नहीं है, इसकी तैयारी हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। असल में जब हम 2020 में थालियां और तालियां बजा रहे थे, उसी समय पे हमें ये तैयारी करनी चाहिए थी कि किस प्रकार हम आगे अगली वेव से निपटेंगे। ना हमने ऑक्सीजन की तैयारी की, ना हमने अस्पताल बनवाए और ना ही हमने एक इसकी व्यवस्था बनाई, है ना, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जो मेरा अगला क्वेश्चन था, आपने अपने आप से उसे गैप कर लिया। 2020 से हमने कोई भी सीख नहीं ली, हमारा जो मेडिकल सिस्टम था उससे हमने ठीक से उसको हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं किया। बहुत बहुत आप अच्छी बात कह रही हैं मनिंदर जी। हुआ क्या कि देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये था कि 2020 से हमें समय मिला था कि हम अपने संसाधन बढ़ाते, अपनी तैयारियां करते और इस फ्रंट पे हम मजबूत होते चले जाते। ये हमें सोच लेना चाहिए था कि आगे जाके हमें रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हमें इतने ICU बेड चाहिए होंगे, हमें इतने वेंटिलेटर चाहिए होंगे, उनके लिए कोशिश की जाती। एक और भी तरीका है, तरीका ये है कि मेरी जेब में या मेरे को महीने में इतने रुपए मिलते हैं, यानी कि मेरे संसाधन क्या है, मैं उनका आकलन करूं और मैं अपने खर्चे और सब चीजों को इस तरह से व्यवस्थित करूं, मैं अपने घर के जनों को, अपने परिवार जनों को, अपने सबको समझाऊं कि भाई हमें इस तरह से खर्च करना है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हो रहा है कि जो सीमित संसाधन थे, जो 2020 था, वो बीत गया, हम नहीं कर पाए। लेकिन जो आज स्थिति है, सवाल यह है कि क्या हम इससे लड़ नहीं सकते थे? मेरा मानना यह है कि जिस तरह से हम आज कर रहे हैं, हम इससे कहीं 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 बहुत बेहतर कर सकते थे। अब आपका सवाल होगा कि ऐसा कैसे? जी, तो सवाल यह है कि जब आप एक समन्वय से, एक कोऑर्डिनेशन से और आपसी विश्वास, जो ट्रस्ट, जो कॉन्फिडेंस होता है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है, उससे मिलजुल के एक टीम भावना से काम करते, तो तब भी मेरा मानना यह है कि स्थितियां बेहतर होती। अब ये किस किस लेवल पे हो सकता था? ये कई लेवल पे हो सकता था। हम बात करते हैं ऊपर से, ऊपर से यानी कि केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में मतभेद दिखाई दिए। कोई कहता है मुझे वैक्सीन नहीं मिली, ये लोग कहते हैं कि हमने वैक्सीन की पूरी डोज दे दी।
राज्य कहते हैं हमें ऑक्सीजन जान के नहीं दी जा रही, ये कहते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो इसी तरह से हम अब नीचे आते हैं, अब राज्य पे आते हैं। राज्य में आते हैं तो राज्य में भी ये स्थिति है, एक जिले में जहां पे जरूरत कम है वहां पर ऑक्सीजन पड़ी हुई है, जहां दूसरे जिले में ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है वहां वो पहुंच नहीं पा रही। इसी तरह से जहां पे ज्यादा पीड़ित है वहां पे शायद रेमडेसिविर इंजेक्शन और सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सीमित संसाधन थे, मैंने मान लिया, जो 2020 से हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, लेकिन आज की तारीख में हम क्यों नहीं फोकस हो पाए, हम क्यों एक टीम बना के काम नहीं कर पाए। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हम चलते हैं, एक किसी एक जिले को ले लेते हैं। चलिए, आप और हम मेरठ में बैठे हैं, हम मेरठ की ही बात करते हैं। मेरठ में ऑक्सीजन प्लांट पे कल तक भी इतनी बुरी तरह से मारा मारी थी, भीड़ थी। 3 दिन पहले कमिश्नर सुरेंद्र सिंह बयान देते हैं कि अब मेरठ में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अगले दिन ऑक्सीजन की कमी से एक बड़े अस्पताल न्यूटीमा अस्पताल में 5 लोग मर जाते हैं, उसको लेकर जांच चल रही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं कुछ और है, पर सब लोग जानते हैं कि वहां क्या हुआ। और सिर्फ वहां नहीं, आज भी जब इतने आदेशों के बाद, इतने ताकत लगाने के बाद भी अगर आप किसी मरीज को किसी अस्पताल में लेके जाएंगी तो अस्पताल वाले क्या कहेंगे आपसे मालूम है? आपसे कहेंगे अपना ऑक्सीजन साथ ले आइए। तो आप देखिए, जो समन्वय की कड़ी केंद्र और राज्यों से खराब हुई, राज्यों से जिलों में खराब हुई। एक जिला तो बहुत ही छोटी जगह है, वहां पे प्रशासनिक अधिकारी एक ऐसी टीम भी नहीं बना पाए, एक 4 अधिकारियों की टीम नहीं बना पाए कि अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है तो इससे ले लें या यहाँ पे फोन कर लें, अगर आपको कोई बेड नहीं मिल रहा तो यहाँ पे कर लेंगे तो शायद आपको बेड मिल जाएगा। लोगों ने कुछ नंबर आए उन पे कॉल किया तो ना वो या तो बंद मिले या तो उस पर कोई जवाब नहीं मिला। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, अगर ये व्यवस्थाएं हम ठीक कर लेते तो सीमित संसाधनों में भी शायद हम इतना बुरा, इतनी बुरी जो सीन आज देख रहे हैं, जो बुरा दृश्य देख रहे हैं, जिसे देख के आपका और मेरा दिल भर के आ रहा है और आंखें भी भर रही हैं, शायद इससे बचा जा सकता था। आज की तारीख में भी अगर इस समन्वय को बेटर कर लिया जाए तो जिस तरह से अगर हम मेरठ की बात करें, यूपी की बात करें, उत्तराखंड पास में है, वहां से भी ऑक्सीजन लाई जा सकती थी। हालांकि क्रायोजेनिक टैंकरों से बहुत दूर दूर से, उड़ीसा से और सब जगह से मंगाई गई है, झारखंड से भी मंगाई गई है, पर क्या उसका वितरण सुचारू रूप से हो पा रहा है, हमें ये देखना होगा। ये मैनेजमेंट देखना बहुत जरूरी है। आपने केंद्र और स्टेट की बात की, आपको कहीं लग रहा है कि ईगो आड़े आ रही है कई जगहों पे? देखिए, मैं तो ईगो का ही नाम दूंगा, चाहे वो महाराष्ट्र का उदाहरण हो या दिल्ली का उदाहरण हो, तो वहां कहीं ना कहीं ईगो का टकराव, अहम का टकराव दिखाई तो देता है। उसे साबित कर पाना शायद मुश्किल हो, पर वो दिखाई तो देता है। एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से भी, हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हूं, लेकिन वो शायद हम आगे भी सवाल करेंगे आगे। जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई बातें कहती है तो उनको बहुत गंभीरता से लिया जाता है, पर ये पहली बार देखने को मिला कि यूपी हाई कोर्ट ने जब कहा कि आप लॉकडाउन की तैयारी कीजिए तो यूपी सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है और लॉकडाउन लगाने से इनकार करती है। अगर ये अहम के टकराव नहीं है, ईगो का टकराव नहीं है, तो फिर ये क्या है? अब भी तो इन्होंने 6 दिन का लॉकडाउन किया है, जब बिल्कुल जान गले तक आ गई। जी, देखिए, यही यही ईगो की बात है, आती है। अगर अगर ये जरूरी नहीं था तो फिर अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं अहम के टकराव में क्या हम अपनी जनता को, अपने मासूम लोगों को अपने अहम की बलि चढ़ा देंगे? ये उचित नहीं है। अब आप देखिए कि जो लॉकडाउन भी हो रहा है, शहरों से खबरें ये आ रही हैं कि इसकी शुरुआत भी कैसे हुई, आखिर व्यापारी आजीज आ गए और लोग तंग आ गए और उन्होंने अपनी तरफ से ये पहल की कि बाजार बंद करने की शुरुआत की, चाहे वो बिल्कुल, बुलंदशहर से शुरुआत हुई हो, मेरठ बहुत से सारे हुई शहरों हो, से ये खबरें आ उस रही हैं कि व्यापारी खुद जी अपने मार्केट बंद कर रहे हैं। खुद अपने मार्केट बंद कर रहे थे। अब उसके बाद में आपने लॉकडाउन किया, यूपी में पहले 3 दिन का वीकेंड किया और 2 दिन उसे अब बढ़ा दिया।
तो ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। क्या हम फिर वही बात आती है कि अगर पहले हम बंगाल चुनाव की इंतजार कर रहे थे तो क्या हम यहाँ पे पंचायत चुनाव के खत्म होने की बात कर रहे थे? क्या हम उसकी इंतजार कर रहे थे और उसका परिणाम आते ही, उसकी मतगणना होते ही हमें लॉकडाउन ध्यान आने लगा? तो ये ऐसा जी क्यों है? पहले जो नुकसान होना था हुआ, अब तो लॉकडाउन के लिए लोग बहुत मन से भी तैयार हैं और तरीके से भी तैयार हैं, तो लॉकडाउन करना चाहिए था। इसके साथ ही लॉकडाउन में जब शराब की दुकानें खुलती हैं तो लोगों की उस पर उंगली उठती है कि जरूरी चीजें ना मिलें और शराब की दुकानें खुले, ये कैसा लॉकडाउन? साथ ही साथ जी चाहे वो मेरठ हो या अन्य शहर हो, जो लॉकडाउन के लिए जो पहले विल पावर थी या जो इच्छा शक्ति पहले दिखाई थी प्रशासन ने, पुलिस ने, वो इस बार कहीं गायब दिख रही है। अगर आप इन शहरों में जाके उनके अखबारों में या टीवी पर तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये जी लगेगा ही नहीं कि लॉकडाउन है। दुकानें जरूर बंद दिखाई देती हैं, पर अगर शहर का ट्रैफिक देखें या मंडियों में देखें या और जगह पर देखें तो उस भीड़ में ना तो मास्क दिखाई देते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे हम व्यक्तिगत दूरी कहते हैं, सामाजिक दूरी कहते हैं, वो दिखाई देती है। तो जी लॉकडाउन सिर्फ औपचारिकता नहीं होना चाहिए, अगर इसे लगाया है तो इसको लागू भी कराना चाहिए। और इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अहम की बलि हम लोग, शायद सब लोगों को उसका नुकसान हुआ है। जी जी एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहती हूँ। हमने सरकार की बात कर ली, हमने सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इसकी बात की, और भी हमने व्यवस्था की बात की। हमें खुद को भी थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि हमने क्या किया। आपकी नजर में एज ए नागरिक क्या करना चाहिए? हालांकि देखिए, व्यापारी आपने लोग खुद ही अपने संस्थान बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि जो गाड़ी में बैठा हुआ है 4 व्हीलर में, उसने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जो 2 व्हीलर में जा रहा है उसने मास्क नहीं लगाया हुआ। वो ठीक उसी तरीके देखिए से आप इस कर्फ्यू लॉकडाउन को एंजॉय कर रहा है जैसे कि दंगों में लोगों को आदत है कर्फ्यू में घूमने की। आपने बहुत अच्छी बात कही। अब तक जो हम बातें कर रहे थे वो हम केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार या प्रशासन की बातें कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे कि वो अगर हम व्यापक रूप में देखें तो वो अभिभावक, जैसे एक परिवार में अभिभावक होते हैं, वो उस भूमिका में है और अभिभावक की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं होता कि परिवार के अन्य सदस्य कुछ भी योगदान ना दें। तो जी अगर हम जनता को मानते हैं, इसे एक बड़ा परिवार मानते हैं पूरे देश को और फिर राज्य को, तो मैं ये कैसे मान लूं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? परिवार के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी होती है तो हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम इसराइल की या न्यूजीलैंड की बात करें, जहां पे ये दावा है कि भाई कोरोना खत्म हो गया है बिल्कुल, तो जी वहां पे उनके नागरिकों ने बड़ी अहम भूमिका इसमें निभाई है। जो अनुशासन, जो संयम उन्होंने बरता है और जो दिखाया है वो उदाहरण देने योग्य है। और भारतीय में देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन जब वो निजी पे आता है तो वो ये चाहता है कि भगत सिंह पैदा तो हो पर पड़ोस के घर में हो, मतलब वो सही मास्क कह रहे लगाए, हैं। मैं लगाऊं या ना लगाऊं। तो ये तो हम इससे बच ही नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। हम सिर्फ केंद्र सरकारों को दोषी ठहरा के, राज्य सरकारों को दोषी ठहरा के इससे अलग नहीं हो सकते। हमारे पास तो पहले से ही ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। जब 2020 में शुरू हुआ तब भी कहा गया काढ़ा पीना है, थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, कुछ योग और प्राणायाम कर सकते हैं, मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं। क्यों हम उनको दोष दे रहे हैं? हाँ, हमारी गलती नहीं है, हमने भी तो सैनिटाइजेशन और ये सारी चीजें छोड़ दी थी। और भीड़ में हम ऐसे जा रहे थे, शादियां जा कर रहे थे, शादियों में फिर से लोग उतनी भीड़ आने लगी थी, और किसी भी समारोह में हम जाने लगे थे, रोजाना फंक्शन ऐसे होने लगे थे जैसे हम बिल्कुल पटरी पर जिंदगी लौट आई है और आम जनजीवन जैसा था वैसा ही हो गया। इसके खामियाजा उनके साथ साथ हम भी दोषी हैं, और हम सब लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पूरा देश एक परिवार है, और अगर हम उन्हें अभिभावक मान लें तो हमारी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को ये समझाना चाहिए कि उनके साथ साथ हमारी महती जिम्मेदारी क्या है। अभी तो मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको कोविड पॉजिटिव थे और वो बता नहीं रहे थे और घूम रहे थे, तो ये अपराध है, ये तो अपराध है।
अगर ऐसा है तो उन्हें खुद ही आइसोलेशन में जाना चाहिए था, बाहर नहीं आना चाहिए था, पर लोग इससे भी नहीं बाहर जा रहे। तो अगर हम ऐसे वक्त पे भी नहीं संभलेंगे और अपनी जिम्मेदारी ना सोचकर सिर्फ प्रदेश सरकारों, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को दोषी ठहराते रहेंगे, हमें यह भी याद रखना होगा कि हम एक सीमित संसाधन वाले देश हैं। फिर भी हमारे जो वैक्सीन का उत्पादन हुआ और जिस तरह से वैक्सीन, ठीक है उसमें व्यवस्था में कुछ खामियां रह गई, लेकिन फिर भी जो वैक्सीन का रिकॉर्ड है वो भारत की जनसंख्या किसी भी देशों के मुकाबले इतनी ज्यादा है कि ये एक गर्व करने का विषय है। और इसको लेके भी मीडिया में भी और दूसरे माध्यमों में भी तरह तरह की बातें की गई, विपक्ष ने भी उस पर वैक्सीन पर सवाल उठाए, ये भी किसी अपराध से कम नहीं है। ऐसे वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये देश मेरे और आपसे मिलकर बना है। अगर हम लोग इस परिवार में हैं तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और जो सावधानियां हैं जो हमें सदियों से हमारी संस्कृति हमें सिखाती रही है, सुबह सांस लेने की, प्राणायाम की, घूमने की और अपने को फिट रखने की, कम से कम उसका पालन कर लें। और हम ये सोच लें कि मेरी वजह से किसी दूसरे को नहीं होना चाहिए, तब भी काफी होगा। मुझे लगता है मनिंदर जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हम सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही पड़ेगा, तभी हम इस जंग से जीत पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आई हैं कि कुछ लोग ऐसे पॉजिटिव थे, उनकी डेथ हो गई लेकिन किसी को बताया नहीं गया और वैसे ही वो अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे लोग भी पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से चीजें स्प्रेड होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी आपने बहुत अच्छी बात कही केंद्र सरकार के लिए भी और हमारे राज्य सरकारों के लिए भी। हम फिर मिलते हैं किसी और नई चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए सबके स्वास्थ्य की सुखद कामना करते हुए हम आज की वार्ता समाप्त करते हैं। धन्यवाद।